अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपनी क्यारी के बारे में बात करना चाहूँगी। और ये देखिए, ये मोगरे का पौधा है और ये बहुत सूख चुका है, और इसके बराबर में ही नींबू का पौधा है। हमारे ये मोगरे का है, ये कैसा, ये थोड़ा थोड़े इसके कितने पत्ते ब्राउन हो चुके हैं, और इसके बराबर में ये नींबू का पौधा है जिसमें अभी अभी फूल खिले हैं। अब ये फूल खिले हैं, इंशाल्लाह ताला इसमें नींबू आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह से, ये नींबू के नींबू का है ये। बाकी अभी मैंने कुछ दिनों पहले यहाँ पे देखिए जंगली घास उगाई है, और ये जंगली पौधे हैं सारे। मैंने नई घास डलवाई थी, और मैं वक्ता वक्ता इसके अंदर सारे जितने भी हमारे लेफ्ट ओवर जो हम कचरा जो भी प्याज के आलू के सबके छिलके होते हैं वो मैं डालती रहती हूँ। डीकम्पोस्ट जैसे कहते हैं वो मैं करती रहती हूँ इसके ऊपर, ताकि वो खाद बनती रहे। लेकिन क्या है कि जिस मैंने नई खाद डलवाई थी तो इससे सारे जंगली पौधे जो हैं वो पैदा हुए, और अभी मैं इनको कल सफाई कराऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हम सफाई कराएंगे तो मैं उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगी, और मैं फिर से नए तरीके से इसके ऊपर हम पौधे हम बीज डालेंगे, और जैसे जैसे बीज डालेंगे और कितने दिन में क्या पौधे। यहाँ तक का यहाँ हिस्सा जो है वो हमारा है सारा, ये है देखिए सारे। और ये देखा आपने, ये देखिए, ये हमारा जो लीमू का जो पौधा है इस पर माशाल्लाह माशाल्लाह से इतने लीमू आते हैं, और जब इसके अंदर लीमू आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने लीमू इसके अंदर आते हैं, और हम यहीं से लीमू तोड़ के हम इस्तेमाल करते हैं, और इतने रसदार लीमू हैं कि मैं आपको बताऊँगी इस तरीके से। लीमू भी दिखाऊंगी और काट के भी दिखाऊंगी कि कैसे। बाकी ये है कि इसकी बहुत अभी ये इस क्यारी की जो है बहुत सफाई करवानी है, बहुत दिनों से इसकी सफाई नहीं हुई है, थोड़ी हमारी सुस्ती ही की वजह से है। ये देखिए, ये सारे जितने भी पौधे हैं ये सारे जंगली हैं। पहले मैंने इसके टमाटर लगाया था, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्लियाँ हैं वो तोड़ देती हैं। मैंने इसके अंदर इधर सब्ज़ी उगाने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सका। ये जो फूल वाले हैं ये पहले के लगे हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि बस इसी तरीके की चीज़ें लगाई जाएं जो देर पा हूँ। अब ये देखिए, ये पौधा मैंने लगाया था, ये सूख गया है बिल्कुल बहुत ही गर्मी में। अब ये पूरी क्यारी जो है ये सफाई मांग रही है, इंशाल्लाह ताला मैं इसकी सफाई कराऊंगी और आप इसको दिखाऊंगी। ओके, मुझे बड़ा शौक़ है पौधों का, लेकिन बस मैंने बहुत कोशिश की, ये दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये इसके अंदर जंगली पौधे उगाए हैं। मैंने दो दफ़ा इसके अंदर खाद डलवाई है, लेकिन दूसरी दफ़ा भी यही हुआ है। अब इंशाल्लाह ताला, ये जो हमारे घर के सामने जो पेड़ है ये फलियों का पेड़ है, मोरिंगा का, यानी कि सजनी की जो फली हम कहते हैं ना, ये उसका पेड़ है। अभी इसमें से रिसेंटली मैंने फलियां तोड़वाई थी, तो 5-6 फलियां आई थी जो कि बहुत ही हमारे सेहत के लिए, हमारे हड्डियों के लिए, हमारे जोड़ों के दर्द के लिए ये जो फलियां हैं ये बहुत ही कारामद हैं, बहुत ही मुफीद हैं। इसको हम इन फलियों को मैं दिखाऊंगी फलियां आपको। देखिए, ये जो फली है ना ये सजने की फली इसे कहते हैं, और ये हम दाल में डाल के पकाते हैं, इसके आलू के साथ मिलके बनाते हैं, आलू बैंगन का सालन बनाते हैं तो उसमें डाल देते हैं। इसका आप आलू के साथ सालन बना सकते हैं आराम से, कोई मसला नहीं है।
और ये बहुत मज़े की फली है, ये बहुत मज़े की है और बहुत ताकतवर है। हाँ, इसको खाने में आपकी हड्डियाँ के जो भी जितने भी आपका दर्द है, जिस्म का दर्द है, हर चीज़ के अंदर इसमें आपको फ़ायदा हासिल होता है। ये बहुत अच्छी फली है, बहुत सारे लोग तो इन फली के बारे में जानते तक नहीं है। ये अगर आप खाएं, ये मोरिंगा इसका नाम है इंग्लिश में, और सजने की फली कहते हैं, और बहुत से लोग भी दूसरे की नाम लेते हैं फलियाँ, लेकिन हमने बचपन से यही नाम सुना है तो इसका नाम ये है। तो ये इसको बस छील लेते हैं, यहाँ से ऐसे छील लेते हैं और सब काट के एक ही उसके तीन तीन चार चार बना लेते हैं। और मसूर की दाल में ना, मसूर की दाल, मूंग मसूर की दाल आप बनाएं और उसमें ये फली डालें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनती है। कभी ट्राई कीजिएगा और खाइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि ये आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा इसको खाएं, बहुत ताकतवर चीज़ है ये, बच्चों को भी खाएं, खुद भी खाएं। आज बस मेरी वीडियो इन्हीं पौधों के बारे में थी, और आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी मोरिंगा के बारे में। तो इंशाल्लाह ताला मैं और आपके इस तरीके की वीडियो बनाऊंगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।